ऐसा होता है नहीं नहीं अंडे कच्चे वगैरह ये तो नहीं ये तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ओवर हो जाता है नॉर्मली तौर पे बॉयल चीजें ज्यादा अच्छा। यूज की जाती हैं बॉडी बिल्डिंग में कहते हैं कि अगर आप अपनी जो टेस्ट है ना उसको निकाल देना हाँ। तो फिर आप बॉडी बिल्डर बन सकते मतलब आपको अपनी जिंदगी से जायका निकालना हाँ चीजें खानी है उबली चीजें हो गई बेक हो गई जैसे आपने ऑयल बाहर निकाल लेना है नमक वगैरह मिर्च मसाला आपने नेचुरल फॉर्म पे रहना बस अच्छा प्योरीफाइड चीजें ना बेकरी के आइटम्स हो गई हैं

और इतनी अच्छी नहीं कुछ बंदों से सप्लीमेंट जो है प्रोटीन मैनेज नहीं होते तो यार बॉयल मैं नहीं खा सकता तो वो सप्लीमेंट का स्कूप ले लिया उसमें से उनको प्रोटीन मिल गए तो वो नेचुरली होते हैं उनमें से ये बस एक मिथ है कि सप्लीमेंट यूज करेंगे तो ये हो जाएगा ये स्टीराइड है स्टीरोइड hmm. और चीज है सप्लीमेंट और चीज है अच्छा स्टीरॉइड और सप्लीमेंट दो डिफरेंट चीज दो डिफरेंट चीज सप्लीमेंट मतलब आप वाइटमिन की लेते हैं या नहीं, वो इस तरह की ब्रांड्स सप्लीमेंट hmm. होते हैं इंटरनेशनल ब्रांड है वो सप्लीमेंट प्रोटीन hmm. ही है उसके अंदर प्रोटीन है कार्ब्स है मिनरल है वाइटामिन है hmm. जो स्टीराइड है वो और चीज है अच्छा अब आप, आप ये जॉब भी करते हैं आप ट्रैफिक ट्रैफिक वार्डन भी हैं जी जी. तो जब आपके डिपार्टमेंट के लड़के हैं वो आपसे इम्प्रेस होते हैं कहते होंगे की हमने भी करनी है बॉडी बिल्डिंग या हम भी इस तरफ आना चाहते हैं जी जी. क्योंकि जाहिर सी बात है बॉडी बिल्डिंग बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला काम है और आपके अच्छे मसल्स बने हो अच्छी फिजिक हो तो लोग आपसे इम्प्रेस भी होते हैं जी जी बिल्कुल देखिये हर बंदे का दिल तो ये करता है कि स्मार्ट हो टिप्स भी लेते हैं यार मैं कैसे स्मार्ट हो सकता हूँ बॉडी बिल्डिंग का नहीं खैर कहते हैं लेकिन वो जब डाइट करते हैं ना थोड़े दिन तो फिर उसे तंग आ जाते हैं फेड अप हाँ। हो जाते हैं यार ये मुझसे नहीं हो रही हाँ। असल बात डाइटिंग करना है डाइट आपने कंट्रोल कर ली है तो आप अचीव कर लेंगे आपका मतलब जो आपके डिपार्टमेंट के बाकी लड़के हैं उनसे डाइट कंट्रोल नहीं होती है नहीं होती है मैं सबसे <laughs> नहीं कह रहा हाँ। कि मोस्टली तौर पे ज्यादातर आप कह लेंगे अगर 100 लोग हैं तो 10% जो होंगे वो कर लेंगे बाकी इस तरह के पुलिस हो गए, फौज हो गए या अब जैसे पुलिस वाले उनका फिट होना बहुत जरूरी होता है तो आपके ख्याल में आप अगर फिट हैं तो आपके डिपार्टमेंट के बाकी लड़के इस चीज से इम्प्रेस होते हैं कि अच्छा हम भी फिट होना चाहते हैं लेकिन रूटीन नहीं सेट कर पाते हैं बिल्कुल मैडम ये फोर्सेस में ही नहीं आम आम भी आप देख लें कोई भी बंदा जो फिट होगा ना हर बंदा उससे इम्प्रेस होगा हर बंदा ये चाहता है कि यार मैं फिट यारू तो कोई भी आप ड्रेस पहनेंगे तो आप गुड लुकिंग लगेंगे अगर आप यूनिफॉर्म आपकी आप मैटर करती है ना जी जी। कि मतलब आप कोई भी ड्रेस वो वो अच्छा लगे। वो अच्छा आप देखे अगर गुड लुकिंग हो गए पुलिस वाला है जो आर्मी फोर्सेज में है तो आप किसी से बात करेंगे तो वो आपकी पर्सनलिटी उसके ऊपर होगी तो उस लिहाज से तो हर बंदा ये चाहता है कि मैं स्मार्ट हो जाऊँ अच्छी फुजी हो गुड लुकिंग हो ताकि यूनिफॉर्म पहना हो तो अच्छा लगे चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात होती है ना कि अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो इससे सिर्फ आपका अंदर ही फिट नहीं होता आपका बाहर भी जहरी तौर पे भी आप लोगों को अच्छे लगते हैं अच्छा वो जैसे कि बात बल्कि आप वसीम भी कर रहे हैं कि आपने कोई भी ड्रेस पहना वो आप पे सूट करता है आप पे अच्छा लगता है आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है अच्छा वसीम अगर हम इसको गवर्नमेंट लेवल पर देखें बॉडी बिल्डिंग को तो क्या इसको सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि आप खुद भी आप गवर्नमेंट जॉब में भी हैं और आप इस फील्ड में भी हैं बॉडी बिल्डिंग की तो क्या आपके ख्याल में इसको कोई सपोर्ट मिल रहा है मैडम वैसे तो गवर्नमेंट जो लेवल पे वैसे सपोर्ट तो नहीं किया जाता कि फाइनेंशियली तौर तो पे या इस तरह तो नहीं होता लेकिन हमारे सी डी ओ साहब को जब पता चला कि मैंने ये कंपटीशन विन किया है अच्छा। तो उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की हाँ। मुझे अपने ऑफिस में बुलाया तो एज ए फादर उन्होंने मुझे ट्रीट किया केक अच्छा। मुझे खिलाया बड़े प्यार से और मेरे साथ सेल्फियां भी ली उन्होंने बनाई और उसके अलावा उन्होंने मुझे कैश रिवार्ड दिया थ्री दिया तो तो मुझे अच्छा, मतलब आप बैठे स्टार बन गए बस अल्लाह का शुक्र है मैडम मैं तो कुछ भी नहीं हूँ अल्लाह पाक की मेहरबानी हुई तो ये सारा कुछ हो गया तो उन्होंने मेरी बड़ी अच्छी हौसला अफजाई की तो बड़ी मैं तो शुक्रगुजार गुजार हूं सी साहब का ऐसे क्योंकि जो दूसरे लड़के भी डिपार्टमेंट के हैं ना उनके अंदर एक शौक डेवलप होगा कि यार हम भी कंपटीशन करें हाँ बिल्कुल बिल्कुल मतलब ये लड़कों में एक कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी मतलब अगर आप किसी ग्रुप में हैं कोई ना कोई एक शख्स ऐसा जरूर होना चाहिए कि जिसको देख के लोग गाइडलाइन ले सके और कहें कि हाँ अगर वो कर सकता है तो हम भी ये कर, कर सकते हैं और अच्छा जैसे की सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले से कहा जाता है ना कि वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो इन चीजों पर ज्यादा होते हैं तो आप तो इस चीज में आए अब आप बाकी लड़कों को क्या कहेंगे वो भी इस तरफ आए वो भी आपके इस नक्शे कदम पर चले जी जी मैडम ये मैं इसलिए नहीं कि बॉडी बिल्डिंग की आप अपने आप को फिट रखें जो बंदा एटलीस्ट जिम जाता है एक्सरसाइज करता है ना वो अपनी डाइट का ख्याल रखता है वो जो आप अनहेल्थी चीजें हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं वो उनको अवॉइड करता है तो उससे उसको नुकसान नहीं होता फायदा ही है उसकी सेहत तो बनी रहती है बॉडी बिल्डर नहीं भी बनेगा तो उसकी अच्छी रहेगी। हाँ, ये तो आप बॉडी बिल्डर नहीं भी बनते तो हाँ आप फिट रहते हैं वो सबसे अच्छी बात होती है अपनी सेहत को बल्कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वसीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाए हैं एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे हमारे साथ रहिए